सिंगरौली में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत एक कार्रवाई में पुलिस ने दो नशा तस्करों को मादक पदार्थ हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। सिंगरौली में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से मुखबिर की सूचना पर दो नशा तस्करों को 18 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मादक पदार्थ हेरोइन के साथ लाल बाबू साहू और संदीप ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। नशा तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध रूप से हीरोइन के व्यापार में संलिप्त हैं। एक व्यक्ति का नाम संदीप शाह है, जो कि बिलौंजी का निवासी है, और दूसरे का लाल बाबू शाह, जो कि गनियारी का निवासी है। उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर और इस आशय की सूचना पुख्ता पाए जाने पर पुलिस द्वारा दो अलग अलग टीमें बना करके तफ्तीश दी गई, जिसमें कुल 18 ग्राम हीरोइन बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।